के बारे में बताइए हमें, हमारी ऑडियंस को बहुत ही जल्दी ट्रेलर देखने सबसे पहले फिल्म की बात करूं तो ये फिल्म बहुत ही अलग है और बहुत ही कमाल की है। और ये जो कंटेंट है, हीरो से पहले अगर कोई हीरो है मेरी फिल्म में वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और रही बात है इसको, जैसे मैं, मुझे एज ए एक्टर ही आप लोग जानते हैं, तो फिर मैं डायरेक्शन में आया हूँ, तो बट उससे पहले भी मैंने कई शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट की है, और इस फिल्म को मैंने लिखा है, और काफ़ी टाइम लगा लिखने में, तो मैंने लिखा है तो मुझे डायरेक्ट करने में भी काफ़ी इजी हुआ, और इसीलिए शायद फिल्म इतनी अच्छी बन पाई है। हाँ, डेढ़ लाख का दूल्हा, इसके पीछे रीज़न ये है कि, रीज़न अभी बता दूंगा तो बाद में पता नहीं आप लोग जाओगे कि नहीं जाओगे, रीज़न नहीं बताऊंगा, लेकिन डेढ़ लाख का दूल्हा देखने जाओगे तो आपको 2 करोड़ की फीलिंग आएगी। ध्रुव, आपसे जानना चाहूंगा, डेब्यू है आपका इस फिल्म के अंदर, थोड़ा सा किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, बहुत ही अच्छा जर्नी था, और कैरेक्टर एक ऐसा है कि मेरे ख्याल से हर गांव या हर सिटी में गुड्डू नाम का एक बंदा तो आपको मिलना ही है, शायद से आपके भी दोस्त होंगे गुड्डू करके, जो किसी ना किसी को गुड्डू बुलाता है, तो सब लोग उसे कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। और स्टोरी तो मेरे ख्याल से आप मूवी देखने आएंगे तो आपको तभी पता चल जाएगी। सो एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि एज अ मेंटर भी मेरे साथ फुल फिल्म में साथ में ही थे, कुछ भी मुझे दिक्कत होती थी तो गाइड करने के लिए हमेशा ये मौजूद रहते थे, और मैं किस प्रकार से इनको इंट्रोड्यूस हुआ या किस प्रकार से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, सो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बुआ का, जो मेरी माँ के सम्मान है, और हम लोग एक जया फाउंडेशन करेक्ट शो में गए थे, तो उसमें मैंने एक परफॉर्मेंस दिया था, और उसमें वो परफॉर्मेंस के बाद ये मुझे मिले और उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया लगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कुछ कंटेंट आ रहा है, हम बात करते हैं आगे जाकर और कुछ खेलते हैं उसके बारे में, तो मैंने बोला ठीक है फिर मिलेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे स्टोरी समझाया बताया और फिर मूवी बन गई है हमारी, और ये गुड्डू है आज। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि ये मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, हाँ ये तो एक्टर हैं, बट क्या हुआ कि उसमें मिमिक्री किए हैं हीरो बनने के, छोटा सा सातों को सात जो डायलॉग अमिताभ बच्चन का, बोलो डायलॉग बोल दो, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप, वही वाला हल्का सा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, क्या बात है। आपसे जानना चाहूंगा जो है, परफॉर्मेंस तो करेगा है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप पर कि एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक जाए, और हमें जी पे ट्रस्ट भी किया आपने प्रोजेक्ट को लेकर, अगर थोड़ा सा बताएं कि कैसे कोलैबोरेशन हुआ आप लोगों का? जया फाउंडेशन द्वारा हमें अभय जी मिले थे, ये सुमन त्रिपाठी जी लेके आई थी इनको कि आप इनको सुनिए और देखिए कैसे है, तो इनकी जो मिमिक्री है वो तो पता नहीं, उनके बारे में शब्द ही नहीं है। थैंक यू मैम। अच्छा लगता है, जॉनी लीवर को पहले मैं हमेशा देखती थी, उनके बाद अब ये नेक्स्ट जॉनी लीवर आ गए। और हमारा भगत सिंह एग्रीमेंट पहले से था, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म में कैमरे पहले से था, पहले से ही मूवी बनाने का एक सपना था, कभी ना कभी बनाएंगे मूवी, आज अभय जी ने आके वो सपना पूरा कर दिया। बस मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मूवी आके देखें, इस मूवी में कुछ एंटरटेनमेंट है, कुछ है जो दिमाग को घर पे रख के आके देखेंगे, एंटरटेनमेंट है फुल, आपका आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो अभय जी है जो खेल करने में माहिर है, पहले से ही एक्टर है, तो क्या बोलना है, खाली ध्रुव है हमारे जो नए हैं, नए एक्टर है, नए प्रोड्यूसर, पर उन्होंने भी काफी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
आई एम प्राउड. मैं चाहूंगी कि बस आप सबका आशीर्वाद रहे और पिक्चर चल जाए. जी मैम, आपसे और अभय भाई आप दोनों से पूछना चाहूंगा, फिल्म जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है दहेज के, तो उसको लेकर कितनी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से चल रहे हैं वहाँ पर. देखो चक्कर क्या है ना कि दहेज वाला जो मैटर है, ये फिल्म जो आप देख रहे हैं 1.5 लाख का दूल्हा, यहाँ पर दहेज का मैटर नहीं है. आप समझ रहे ना, टाइटल देखकर आप लोगों को लगेगा कि यहाँ दहेज का कुछ मैटर होगा, दहेज के बारे में बातें होगी या दूल्हा जो है बिक रहा होगा, ऐसा जो आपने सोचा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटियों को अच्छा पति देना है. हाँ, ये क्या होता है ना कि हर बंदा, हर परिवार वाले चाहते हैं कि हाँ कि मेरी बेटी को वो दामाद मिले जो कमाता अच्छा हो, अच्छा पैसा कमाता हो और उससे शादी करो ताकि लड़की खुश रहे. बट अगर दहेज की बात करें तो हमारी फिल्म से दहेज का कोई लेना देना नहीं है, और आप थिएटर में जाएंगे तो 1.5 लाख का दूल्हा का अलग रूप पाएंगे. एक चीज यहाँ बताऊंगा मैं आपको, क्या है कि दूल्हा जो है आज के टाइम पे 15-20 लाख का बोल रहे हैं मिल रहा है. सर्वे क्वेश्चन किया जी मैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट का जो जॉब होता है, मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट में एक अध्यापक जो है वो 1 लाख रुपए कमाता है, अभी 80,000 कमाता है, 1,20,000 कमाता है. गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई भी बंदा 5 लाख का तनख्वाह नहीं होता, किसी के 1 लाख, किसी का 80,000, किसी का 60,000, किसी का 1.5 लाख रुपए होता है. तो 1.5 लाख रुपया पाने वाला बंदा अगर किसी कोई अपनी लड़की के लिए सोचे कि स्टैब्लिश और 1.5 लाख रुपए कमाता है, तो कहे भैया वो लड़का एकदम सेटल है, बिल सेटल है, छोटे गांव से आता है. 1.5 लाख महीने के, साल के नहीं. अब आप जोड़ लीजिए कि कितने कमाता होगा वो. जी कब रिलीज करने का प्लान है? 30 दिसंबर से. जी मैम, 30 दिसंबर को रिलीज करने का प्लान है. नेक्स्ट ध्रुव, आपसे जानना चाहूंगा फिल्म की क्या यूएसपी होने वाली है जिससे कि ऑडियंस फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होगी. फिल्म की यूएसपी ये है कि फिल्म के गाने बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाले हैं. So, अभी सीजन है शादी का, तो अभी आपने सुनी लिया है कि गुड्डू नाच गाना, तो हम दावे से कहते हैं कि शायद ही नहीं, हर एक शादी में नॉर्थ में स्पेशली गुड्डू नाच गाना बजने ही वाला है. तो ये चीज है हमारे पिक्चर को अट्रैक्ट करेगी, और स्टोरी भी कितनी यूनिक है कि लोगों को ये एक तो गाना अट्रैक्ट करेगा, अगर थिएटर्स में आ गए तो उनको स्टोरी भी उनके दिल को छू जाएगी 100%. और जी, और सबसे यूनिक बात है कि हीरो का नाम फिल्म में गुड्डू है, और एक गाना हमारे फिल्म में है गुड्डू नाच गुड्डू नाच. और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हर मोहल्ले और हर घर में एक गुड्डू होता है, और गांव में ढूंढे तो कम से कम 15-20 गुड्डू मिलेंगे. यही 10 गुड्डू यहीं पे खड़े हैं. तो भाई कम से कम 12 करोड़ गुड्डुओं के लिए मेरा फिल्म गाना डेडिकेट कर रहा है. समझ रहे ना, सिर्फ गुड्डुओं के लिए गाना बनाया हूँ. आप समझिए कि 12 करोड़ गुड्डू तो हमारे साथ हैं, बाकी चिंटू पिंटू और ये सब भी अपने आप को गुड्डू ही समझते हैं घोड़े बैठने के बाद. पहली फिल्म में एक्साइटेड, नर्वस, क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटेड तो बहुत हूँ, नर्वसनेस भी उतनी है कि कैसे ऑडियंस को पसंद आने वाली है. होपफुली के ऑडियंस अच्छे नंबर पे थिएटर्स में आ जाए, और जैसे कि मेरी फर्स्ट फिल्म है तो नर्वसनेस तो रहने वाली है और एक्साइटमेंट उससे ज्यादा है. हमारी फिल्म में अगर आप देख रहे हैं तो अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, बहुत पुराने एक्टर हैं और आप सब जानते हैं इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है. और इश्तियाक खान है, एहसान खान है, और हीरोइन जो है हर्षिता पानवार, ये साउथ में काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं, तमिल तेलुगु वगैरह में. तो बाकी सभी ने बहुत ही कमाल का काम किया, पीयूष सुहाने हैं, साहिल हैं, सीपी भट्ट हैं, तो सभी कलाकारों ने बहुत उम्दा काम किया है. और मेरी फिल्म की सबसे खास बात है कि फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर देखेंगे सब उनको कोई ना कोई जानता होगा, पब्लिक उनको जानती होगी. जी आखिर में क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए आप लोगों? ऑडियंस आइए मूवी देखिए और आप खुद बताइए कि आपको मूवी पसंद आई है कि नहीं. जी जी, और बड़ी बड़ी मूवियां तो बहुत देखते हो 100%. अब ये देखो, और मेरी तरफ से तो यही है कि भाई हर जो मेकर होता है अपने बच्चे को कोई बुरा नहीं बोलता है, सही बात है. बट मैं एज ए मेकर नहीं, मैं एज ए ऑडियंस बता रहा हूँ
कि ये फिल्म जो है अलग है, मज़ेदार है और आप लोगों को 100% मजा आएगा। 2 घंटा आप बैठोगे तो ये लगेगा कि हाँ यार अच्छा फील हुआ और अलग कुछ देखने को मिला काफ़ी टाइम बाद, और बहुत ही कमाल की स्टोरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस फिल्म में सबसे खास बात जो है हीरो के बाद कोई हीरो है तो मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट है, तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कितना दमदार होगा जी। देखिए जैसे कि हमारे ध्रुव की बुआ ने कहा कि वो बचपन में ही शाहरुख खान के साथ एड पे उसने काम किया है, सोना चांदी चेवन प्रेस में किया था, और वो बचपन में मुझे बोला कि मम्मा मेरे को इसमें आना है। पर मैंने भी ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जितने बड़े स्क्रीन में आएगा। ये आप सब लोग की और खास उसकी बुआ की दुआ है जो इन्होंने ये कर दिखाया। बाकी सपने तो बहुत बड़े बड़े लोगों के होते हैं पर पूरे तो किसी के ही होते हैं, तो उसमें मेरा एक ध्रुव छेड़ा भी है जो उसका भी सपना आज हम मेरा खास और हमारे परिवार का सपना पूर्ण हुआ, और बस अभी इसको सराहना है हमारे जो देश के लोग हैं। बस आप सबका आशीर्वाद रहे कि वो आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा है ना, ये जो टाइटल्स है, टाइटल्स ही अपने आप में बहुत यूनिक है, और मतलब फिल्म लगने के बाद लोगों को निश्चित रूप से इसमें बहुत ही इंटरटेनमेंट आएगा। अभी हमने उसका थोड़ा सा जो देखा, जो म्यूजिक देखा, गाने देखे, पूरी बांधने वाली पिक्चर है, तो 2 घंटा आराम लोग देखेंगे, और हिंदी बेल्ट में तो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी है ना। तो हमारी पूरी पूरी शुभकामना है कि ध्रुव ने अभी जैसे इंटर किया है और ये और आगे अच्छे से बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाए, और सबसे बड़ा जो शुभकामना है वो अभय प्रताप सिंह को है। इनको जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तभी लगा यार इनके अंदर कुछ तो टैलेंट है, ये आदमी के अंदर है ना। नहीं तो मेरे पास इसके पहले बहुत सारे लोग आए, मैं आपसे करीब बहुत पुराना हमारा इनका पेशेंट डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन है, कम से कम 10 लोगों ने मेरे साथ अप्रोच किया होगा कि आप मुझे कहीं से स्पॉन्सर कराइए कुछ कराइए, लेकिन मैंने जो इनके अंदर जो टैलेंट देखा तो मिसेज ने इनको इंट्रोड्यूस किया तो मैंने बोला ये आदमी जिस निश्चित रूप से अगर इस पर पैसा लगाया जाए तो ये पैसा जरूर रिटर्न आएगा आपका, पक्का आएगा है ना। इसलिए और नहीं भी आएगा तो लोग इतना है कि इंटरटेनमेंट करेंगे है ना। तो देखिए भाग्य की बात है, जहाँ जिसको जिस तरीके से जाना है, जिस तरीके से डेवलप होना है, वैसे रास्ते आ जाते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना, और सबसे बड़ी शुभकामना मैं मैडम को देना चाहता हूँ कि इनका नाम बहुत और आगे जाए है ना। इसी के साथ धन्यवाद। देखिए अभी तक ज्यादा छोटे हैं इसलिए इधर बोलिए। अच्छा ये और दिल लगाना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने राज बब्बर की एक मूवी आई थी दुल्हा बिकता है, ठीक है ना, तो उसमें दुल्हा बिका है, और ये क्या है, इसमें एक लड़का मेहनत किया हुआ है जो कि अपने ही दम पे 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है ना। तो हम ध्रुव भाई और ये मूवी के जो भी सभी लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि ये मूवी सभी लोग देखें और मनोरंजन कर ले अपना। ओके थैंक यू। देखा, स्टोरी सुनी, काफ़ी अच्छी मूवी है, एकदम पैकेज है, एक्शन है, रोमांस है, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, जैसे कि एक टैबू है कि इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, सो यू सी वो आपको देखने के लिए मिलेगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। सबसे पहले चलिए सबसे पहले तो मैं जो आज हम लोगों ने प्रोमो देखा
तो मैं तो अपने जो हीरो हैं, हम सभी के जो हीरो हैं ध्रुव छेड़ा जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और मैं यही प्रे करूंगा कि ईश्वर उनको बुलंदियों पे लेके जाए। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं और उनको ऐसे ही लाइन में लग के लोग उनका इंटरव्यू करें, उनका ऑटोग्राफ लें, उनके साथ सेल्फी लें, वो क्रेज़ हो उनका। जैसा कि अभी कोई बोल रहा था कि हमारे यहाँ पे जो फिल्मों में या शादियों में जब गाने बजेंगे उसमें ये गुड्डू का जो डांस है, गुड्डू का जो गाना है, ये बहुत ही एक ट्रेंड होने वाला है। ये दूसरा, खास करके मैं यहाँ इस पिक्चर की जो प्रोड्यूसर हैं जया छेड़ा जी, उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और ये 1.5 लाख का जो एक टाइटल है, 1.5 लाख का दूल्हा, ये बहुत ही सस्पेंस है। आप सभी इसको थिएटर में जाके देखेंगे तो इसका पूरा थीम आपको समझ में आएगा कि ये कौन से थीम पे ये पिक्चर बेस्ड है। और दूसरा, सुमन त्रिपाठी जी और उनकी पूरी फैमिली और ये हमारे जो इसमें अभय जी हैं और बाकी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हम सभी को यहाँ पे बुलाया और इस तरीके से इस पिक्चर का एक लॉन्च किया। और यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि ये पिक्चर जो है खूब चले और हम सभी को खूब इंटरटेन करें। सर, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म को, स्टारकास्ट को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को? पिक्चर को शुभकामनाएं देंगे कि पिक्चर अच्छी चले और बहुत नाम कमाए। और जो हमारे जिया जी और सुमन जी ने ये सब करा है, बहुत अच्छा लगा और पिक्चर बहुत अच्छी है, गाना भी बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जो और नाम ही इतना अच्छा है उसका, 1.5 लाख का हीरो, इतना सस्ता हीरो कहीं मिलेगा नहीं। पहली बार मैंने इतना सस्ता हीरो देखा है कि 1.5 लाख का भी हीरो बिक रहा है। तो एक बहुत अच्छी मूवी है और ऊपर वाले से दुआ है कि पिक्चर में बहुत कामयाबी हासिल करें और दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है, हमारी शुभकामनाएँ साथ में है।